नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा त्यागी। सबसे पहले मुख्य समाचार। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान, लोगों में दिखा खासा उत्साह। 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 सीटों के लिए हुआ मतदान। प्रमुख वन संरक्षक ने रवाना किया जागरूकता रथ, वन अग्नि को लेकर किया जाएगा जागरूक। प्रमुख वन संरक्षक ने कहा, जंगलों को आग से बचाने में आम लोगों की भूमिका अहम। कनाडा में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक से लौटे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल। भराड़ी सैंड में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान को लेकर सीपीए का समर्थन किया हासिल। शोध संस्थान को बेहतर बनाने के लिए योगदान दे सकती है सीपीए। और जन सहभागिता से स्वच्छ हो रही है गंगा। हरिद्वार में गंगा स्वच्छता को लेकर लोगों में आई जागरूकता। आपसी सहयोग से गंगा की स्वच्छता में जुटे हैं लोग। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 सीटों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। पहली बार वोटर बने युवाओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में मतदान किया। मतदान केंद्र पहुंचने से पहले उन्होंने सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से बड़ी संख्या में वोट डालने की भी अपील की। लोकसभा चुनावों के 6ठे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन भी था। इस चरण में 7 राज्यों की 59 लोकसभा सीटों के लिए 12 मई को मतदान होगा। इस बीच लोकसभा चुनाव के बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार तेजी पकड़ रहा है। विभिन्न पार्टियों के नेता देश भर में चुनाव सभाएं कर रहे हैं। प्रमुख वन संरक्षक जयराज ने कहा है कि जंगलों को आग से बचाने के लिए वन विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके लिए विभाग की ओर से जागरूकता रथ तैयार किए गए हैं, जो ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को जागरूक करेंगे। प्रमुख वन संरक्षक ने बताया कि मानव गतिविधियों, प्रदूषण और जैव विविधता के चलते पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जंगली जानवरों से लेकर आम लोगों की जिंदगी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि जंगलों में लगने वाली आग को रोकने का जितना दायित्व वन विभाग का है, उतना ही आम लोगों का भी है। उन्होंने कहा कि वन संपदा पर किसी एक का अधिकार नहीं होता, हर वर्ग के लोगों को वनों से लाभ मिलता है। इस मौके पर हमने एक अपनी वैन को जो है उसको हमने फ्लैग ऑफ किया है, और ये वैन जो है फॉरेस्ट फायर्स को रोकने के लिए, जन जागरूकता बढ़ाने के लिए जा रही है आगे। और जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जंगलों में जब आग लगती है तो सबसे बड़ा नुकसान होता है जल के स्रोतों को। जल के स्रोत सूखने लगते हैं, और जब जल के स्रोत सूखते हैं तो पानी की किल्लत किसको होती है? लोगों को होती है। जब जलोनी लकड़ी जो जंगलों में पड़ी होती है, जब वो जल जाती है फॉरेस्ट फायर से, तो लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष मोहन प्रसाद थपलियाल ने कहा है कि यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर परिसर में बिजली, पानी से लेकर अन्य सभी तरह की सुविधाओं को बहाल कर दिया गया है। मंदिर परिसर से बर्फ को भी पूरी तरह से हटा दिया गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कतें नहीं होंगी। मंदिर समिति के कर्मचारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम में भी बर्फ लगभग हटा दी गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री खुद यात्रा की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। मंदिर समिति के अध्यक्ष ने देश विदेश के श्रद्धालुओं से चारधाम यात्रा पर आने की अपील करते हुए कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कतें नहीं होने दी जाएंगी। भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट 9 मई को 5:35 पर खुल रहे हैं, और श्री बद्रीनाथ जी के कपाट 10 मई को 4:15 ब्रह्म मुहूर्त में खुल रहे हैं। इस साल बहुत अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण हमारे मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की टीम हमारे सी ओ बी डी सिंह जी के नेतृत्व में बद्रीनाथ गई, और बद्रीनाथ में जितनी व्यवस्थाएँ भारी बर्फबारी के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थी, जैसे पेयजल है, विद्युत का है, तो हमारे मंदिर समिति के कर्मचारियों ने सारी व्यवस्था वहाँ पर विद्युत आपूर्ति
विद्युत हमारे पावरों से वहाँ पर पेयजल योजना हमारी अपनी है, उस पेयजल योजना को और मंदिर परिसर में जितनी बर्फ़ थी वो सारी बर्फ़ लगभग हट चुकी है। मैं तो समझता कि लगभग 30 अप्रैल तक हम व्यवस्थाओं को पूरा कर पाएंगे। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 10 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। इसको लेकर चमोली जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने अधिकारियों के साथ देश के अंतिम गांव माणा तक यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कपाट खुलने से पूर्व सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने सड़क मार्ग को दुरुस्त करने, मार्ग पर पेयजल, विद्युत, शौचालय और पुनर्निर्माण कार्य सहित अन्य व्यवस्थाओं को 30 अप्रैल तक पूरा करने को कहा। जिलाधिकारी ने बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि बद्रीनाथ यात्रा पर आने वाला हर यात्री यहां से अच्छा संदेश लेकर जाए। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कनाडा के ओटावा शहर में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैरसैंण के भराड़ीसैंण में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान को लेकर CPA का समर्थन हासिल किया। CPA इस शोध संस्थान को बेहतर बनाने के लिए योगदान करने पर विचार कर सकती है। विधानसभा अध्यक्ष कनाडा में आयोजित कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की कार्यकारी समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद वापस लौट आए हैं। देहरादून पहुंचने के बाद उन्होंने बैठक के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने युगांडा में होने वाले 64वें CPA सम्मेलन की व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि भराड़ीसैंण में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान पर चर्चा की गई। CPA के माध्यम से शोध संस्थान को किस प्रकार से विकसित किया जाए और कार्यक्रमों के आयोजन के साथ ही बजट व्यवस्था पर भी चर्चा की गई। कि मेरे जो अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान का जो मैं बहुत पहले से दिमाग में था कि कैसे हम लोग उत्तराखंड के भराड़ीसैंण में हम लोग जो स्थापित कर रहे हैं उसको लेके ही मैंने वहाँ अपना विषय रखा और मैंने चाहा है कि भाई हम उसको यदि काम को करते हैं तो हमारी CPA जो हमारी संस्था है वहाँ से हमें कैसे मदद मिल सके। तो एक प्रस्ताव मैंने वहाँ पर दिया है। मुझे ये उम्मीद है कि यदि वहाँ से कुछ फंडिंग हमें मिल गई और चूँकि यहाँ हमने सरकार से भी मांग की थी उसमें भी हमें 1 करोड़ रुपये मिला है तो आने वाले समय में चूँकि जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग जगह जगह इस प्रकार के बैठकें जगह जगह प्रशिक्षण करवाते हैं तो वो काम हम अपने इस भराड़ीसैंण उत्तराखंड में भी कर सकें। देहरादून के बल्लीवाला फ्लाईओवर पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को फ्लाईओवर पर हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कारगर उपाय करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसके डिजाइन और तकनीकी सहयोग के लिए विशेषज्ञों से सुझाव लेने को भी कहा है। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस फ्लाईओवर में दुर्घटनाओं के बढ़ने के कारण का पता लगाया जाए, दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए ठोस रणनीति बनाए जाने के भी उन्होंने निर्देश दिए। बल्लीवाला फ्लाईओवर के निर्माण से लेकर अब तक विभिन्न दुर्घटनाओं में 1 दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इन दुर्घटनाओं को देखते हुए श्री मुख्यमंत्री ने मामले का गंभीरता से संज्ञान लिया और निरीक्षण कर अधिकारियों को स्थायी समाधान करने के भी निर्देश दिए। स्वच्छता की मुहिम देश के कोने कोने में अपनी छाप छोड़ रही है। लोगों के नजरिए और सोच में बदलाव का असर अब हरिद्वार में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गंगा की निर्मलता और अविरलता ने लोगों को इस अभियान से जोड़ दिया है। इस पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। गौमुख से निकली गंगा उत्तराखंड में हरिद्वार तक का सफर पहाड़ों में ही तय करती है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन तीर्थ स्थलों में आते हैं लेकिन गंगा की अविरलता और गंगा की निर्मलता भी यहाँ एक बड़ा सवाल रहा है जिसके लिए नमामि गंगे के तहत एक महाअभियान छेड़ने का प्रयास किया गया। अभियान को कामयाब बनाने में आम लोगों का सहयोग सराहनीय है। गंगा में कितना बदलाव आप देख रहे हैं जो नमामि गंगे योजना चली थी इसके? गंगा मैया पहले से काफी प्रोग्रेस है, इसमें काफी सफाई है, काफ़ी जो है साफ सुथरा पूरा हर की पौड़ी पूरे गंगा में भी बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है। जनता ने भी सहयोग दिया है कि ताकि जो भी आए अच्छा तरह से नहा धो के अपना शुद्धता से जाए। जैसे पहले गंदगी रहती थी उसमें आदमी को यहाँ जो नहाओ या उधर नहाओ ये वाले विचार थे, अभी कहीं पर भी नहाने में कोई वो नहीं करते हैं तो आराम से नहाते हैं, सही है सफाई। नमामि गंगे के तहत गंगा किनारे बसे गांवों को ODF किया गया। गंगा किनारे बसे शहरों और घरों के गंदे पानी को ट्रीट करने का प्लांट लगाया गया।
सीवेज नेटवर्क बिछाने की व्यवस्था की गई, लेकिन इन तमाम बुनियादी सुविधाओं के बावजूद आम लोगों की भागीदारी ने ही इस अभियान को सफल बनाया है। चंद्रशेखर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, देहरादून। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यालयों, आकाशवाणी, प्रकाशन विभाग और भारतीय बाल फिल्म समिति को आज नई दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार 2019 प्रदान किए गए। मंत्रालय में सचिव अमित खरे ने ये पुरस्कार प्रदान किए। आकाशवाणी महानिदेशक फैयाज शहरयार और महानिदेशक समाचार ईरा जोशी ने आकाशवाणी की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। इस अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े के दौरान भारतीय प्रेस परिषद, पत्र सूचना कार्यालय और बेसिल द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख किया गया। पेशावर कांड की बरसी पर कोटद्वार में कार्यक्रम आयोजित कर पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को याद किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के महायोद्धा को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उनके योगदान को भी याद किया गया। इस अवसर पर कोटद्वार तहसील परिसर स्थित उनकी मूर्ति पर लोगों ने माल्यार्पण भी किया। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के पोते देशबंधु गढ़वाली कहते हैं कि गढ़वाली जी ने देश के लिए बलिदान दिया, लेकिन उनका परिवार आज तक उत्तराखंड का स्थायी निवासी नहीं बन पाया। उनको जो जमीन लीज पर दी गई है वो उत्तर प्रदेश की सीमा में आती है। उस टाइम ये पठान बटालियन थी, उसमें अंग्रेज शासन था। अंग्रेज शासन ने पठान बटालियन में गढ़वाली जी सुबेदार थे, वहाँ पे इन्हें आदेश दिया गया था कि इनके ऊपर गोली चला दी जाए सीज़फ़ायर। तो गढ़वाली जी ने उस सीज़फ़ायर का उल्लंघन किया था, उनका कि हम तब गोली नहीं चलाएंगे। उसके उन्हें पेशावर कांड की वजह से उन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। उन्हें काला पानी की सजा देने के बाद उन्हें काल जेल में भेज दिया गया था। उनका तो एक शरीर अपने आप में ही कर्मठ था, अपने आप में ही कर्मठ थे। उनका एक उनकी देश के लिए, राष्ट्र के लिए तो अपना बलिदान था कि मैं इस देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, उत्तराखंड के लिए इतना कुछ करूं। पर उनकी बीमारी के चलते उनका देहांत हो गया, इसलिए उनके जो विकास करने की भावनाएं थी वो सारी अधूरी रह चुकी हैं। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ पठान एक विशाल जुलूस निकाल रहे थे। अंग्रेज अधिकारियों ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की बटालियन को निहत्ते पठानों पर गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने गोली चलाने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उनका कोर्ट मार्शल कर उनको काला पानी की सजा देकर जेल में डाल दिया गया। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान, लोगों में दिखा खासा उत्साह। 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 116 सीटों के लिए हुआ मतदान। प्रमुख वन संरक्षक ने रवाना किया जागरूकता रथ, वनाग्नि को लेकर किया जाएगा जागरूक। प्रमुख वन संरक्षक ने कहा जंगलों को आग से बचाने में आम लोगों की भूमिका अहम। कनाडा में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की बैठक से लौटे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल। भराड़ी सैंड में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान को लेकर सीपीए का समर्थन किया हासिल। शोध संस्थान को बेहतर बनाने के लिए योगदान दे सकती है सीपीए। और जन सहभागिता से स्वच्छ हो रही है गंगा। हरिद्वार में गंगा स्वच्छता को लेकर लोगों में आई जागरूकता। आपसी सहयोग से गंगा की स्वच्छता में जुटे हैं लोग। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।